सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा पर शनिवार को व्रती महिलाओं ने उदयगामी सूरज को अर्घ देकर अपने संतान की लंबी उम्र की कामना की और अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए छठ माता से मन्नत मांगा। आपको बता दें कि शनिवार को भोर से ही व्रती महिलाएं राप्ती नदी के तट पर पूजा की सामग्री को लेकर पहुंची, जहां पर व्रती महिलाओं ने नदी के पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को उदय होने की प्रतीक्षा की तथा सूर्य के उदय होने पर सभी महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान नदी तट पर नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने लाइट व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था की थी एवं सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी और महिलाओं को अर्घ देने के लिए प्रशासन ने दूध और अगरबत्ती की व्यवस्था भी की थी। जिन लोगों के पास अर्घ देने के लिए दूध नहीं था, उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूध का वितरण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालुओं तथा एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, बच्चों का त्यौहार है, बच्चों को सुरक्षित रखे साथ ही साथ आप भी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आप थोड़ा दूरी बनाकर रखें। आपकी सेवा में
Thank you.
जैसे माना जाता है पूरा हो जाता है तो किया जाता है छठ पूजा। क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? बच्चों के लिए मनाया जाता है, कोई मान देता है उसे मन, जो पूरा हो जाता मनाया जाता है छठ। कितने साल से व्रत करती आ रही है? हम 5 साल हो गया। मेन तो हम लोग का होता है कि सूर्य देवता की उपासना करते हैं हम लोग, शाम को भी ढलते सूरज की और सुबह होते उगते सूरज की उपासना करते हैं हम लोग। 2 दिन निराजल व्रत रखे, 1 दिन खरना करते, 1 दिन निराजल व्रत रखे, अगले दिन पारण करते हैं हम लोग। उसमें ठेकुआ बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, पूरा फल की सजावट करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, सबकी खुशहाली के लिए पूजा करते हैं। मान्यता है अपने बच्चों के लिए इंसान पहले करता है, प्रकृति की पूजा ज़्यादा होती है इसमें। आपके पास जो फल हो तो उसकी पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं उसकी। शाम को घर पे दिया जलाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, गाना गाते हैं। अभी सूर्य नारायण को गाना गाएंगे, अर्घ देंगे व्रत करने वाली, कल जोड़ के पानी में खड़ी रहेंगी और वही 108 बार सूर्य नारायण का आराधना करेंगे। जो मनाया जाता है शुभ होता है ये त्योहार छठ व्रत, बच्चों के लिए किया सबसे बड़ा व्रत है। और पानी में खड़ा होकर एक तपस्या करने के लिए सब परिवार सुख शांति से रहे। छठ पूजा ये रहती है, छठ पूजा के बाद कोई भी मनोकामना पूरा हो जाता है बेटा। मनोकामना पूरा हो गया है तब मैं व्रत रहते हैं। बहुत अच्छा है, माता जी का कृपा रहता है सब पे, सदैव बना रहे सब पे, आपको सबकी सबकी रक्षा करती है। यही कि माता जी सब पर रक्षा करे, बना रहे और सब। यही 10 साल से मेरी माँ करती हूँ। छठ का पर्व बड़ी सुख शांति से, बड़ी खूबसूरती से, सभी सुरक्षाओं के मेजर्स को लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर और SSP गोरखपुर के मार्गदर्शन में SP सिटी साहब और मेरे और सारे मजिस्ट्रेटों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और इस त्यौहार की हार्दिक बधाइयां मैं सभी देशवासियों को, सभी गोरखवासियों को देता हूँ।